हाँ जी दोस्तों, तो बेसिकली हम प्री रिक्विजिट्स कर रहे थे मीटिंग के, और उसके अंदर हमने बिफोर मीटिंग के दो सेक्शंस थे, सेक्शन 101 एंड 102, जो बात कर रहे थे नोटिस एंड एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट के ऊपर, तो वो हमने फिनिश कर लिया था। अब यहाँ से शुरू होता है हमारा ड्यूरिंग दी मीटिंग क्या क्या चीजें हैं जो अपने को फॉलो करनी होती है एज पर एक्ट। ठीक है, तो ड्यूरिंग दी मीटिंग में जब मीटिंग हो रही है उसके दौरान आपको क्या क्या चीजें फॉलो करनी होती है, तो उसके ऊपर आपके काफी सारे सेक्शंस हैं। फिलहाल जो बात करेंगे वो बात करेंगे सेक्शन 103 की, जो कि बात करता है कोरम के ऊपर। अब ये कोरम का मतलब क्या है? तो कोरम का बेसिकली एक्ट के अंदर मतलब बताया गया है कि मिनिमम कितने मेंबर्स हैं, कि मिनिमम कितने लोग हैं जो कि मीटिंग में होना जरूरी है। अगर वो नहीं होंगे तो आप मीटिंग नहीं कर सकते, आपको मीटिंग कैंसिल या एडजर्न करनी पड़ जाएगी फर्दर डेट के लिए, फर्दर टाइम के लिए। ठीक है, तो कोरम का मतलब क्या है कि मिनिमम इतने लोग एज पर एक्ट मीटिंग के अंदर होने चाहिए, तभी आप मीटिंग कर सकते हो, अदरवाइज मीटिंग करना अलाउड नहीं है। तो सिंपली मतलब ये है। ठीक है, फिर इसने एक परमिशन दे दी क्या कि आपको ये मिनिमम बता देता है एक्ट, बट आप चाहो तो अपने आर्टिकल के अंदर इससे ज्यादा नंबर भी रख सकते हो। जैसे कि एग्जाम्पल ले लें कि प्राइवेट कंपनी का कोरम लिखा हुआ है 2 मेंबर्स होने चाहिए एटलीस्ट, बट अगर हमने आर्टिकल के अंदर लिख दिया कि नहीं जी हमारी कंपनी प्राइवेट कंपनी के अंदर सपोज 40 मेंबर्स हैं, और हम कहते हैं कि अपने आर्टिकल के अंदर हम कहते हैं कि कम से कम 10 मेंबर अटेंड होने चाहिए, तो फिर क्या रूल माना जाएगा कि 10 मेंबर। फिर रूल क्या चलेगा कि भैया 10 मेंबर अगर मीटिंग में पहुंच गए तो मीटिंग होगी, अदरवाइज मीटिंग कैंसिल हो जाएगी। तो मिनिमम कितने होने चाहिए वो आपका एक्ट बताता है, आपको उससे बढ़ा के कोई और नंबर रखना है तो आप अपने आर्टिकल के अंदर उस चीज का प्रोविजन डाल सकते हो, फिर उसको माना जाएगा। ठीक है, बाकी ऑब्वियसली बात है बढ़ाया जा सकता है, ऐसा नहीं कि एक्ट ने अगर 2 मेंबर कहा है अपने आर्टिकल में आप 1 मेंबर लिख दो, वो अलाउड नहीं है। ठीक है ना, वो ओवर रूल हो जाएगा। चलिए फिर इसके अंदर तो दो बातें रहेंगी आपकी, पीछे भी चलती आई है और आगे भी फर्दर कई सारे सेक्शनों में ये बात आएगी क्या कि स्पेसिफाइड IFSC कंपनी के लिए ये जो प्रोविजन है, जैसे 103 का आगे 104 का आएगा, 105 का आएगा, इन सभी में कॉमन लाइन चल रही है कि स्पेसिफाइड IFSC पब्लिक कंपनी जो होती है उनके ऊपर ये सेक्शन तभी अप्लाई होगा जब इसके ऊपर जो एप्लीकेशन है उसकी बात उनके आर्टिकल में कही गई हो। मतलब कि वो अगर आर्टिकल में मेंशन करते हैं कि हाँ जी हम अप्लाई करना है तो अप्लाई होगा, अगर वो मेंशन करते हैं कि अप्लाई नहीं करना तो नहीं होगा। मतलब ये कंपल्सरली उनके लिए नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 बात आती है प्राइवेट कंपनी के लिए। प्राइवेट कंपनी के ऊपर भी सेम है कि प्राइवेट कंपनी जो चाहे अगर किसी सेक्शन में प्रोवाइड है या फिर उनके आर्टिकल में प्रोवाइडेड है तभी ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा उनके ऊपर, अदरवाइज ये एप्लीकेबल नहीं होता। अगर उनके आर्टिकल में प्रोवाइड है, नंबर 1, और नंबर 2 कि अगर किसी और सेक्शन में प्रोवाइडेड है इसके ऊपर कि इसको कंपल्सरली मेंटेन करना है तो ही आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। लेकिन ये एक तरीके से उनको छूट दी गई है, तो ये छूट के लिए उनको क्या फॉलो करना पड़ेगा कि किसी भी फाइलिंग के अंदर किसी प्रकार की नॉन मतलब कॉन्ट्रावेंशन एक तरीके से नहीं होनी चाहिए, नॉन फाइलिंग का सिचुएशन नहीं होना चाहिए। कौन सी फाइलिंग की बात आती है? तो सेक्शन 92 और 137 की बात करता है। तो ये कॉमन प्रोविजन है जो 103 में भी है, 104 में भी है, आगे भी हर जगह चलेगा, तो इसको आपको ध्यान रखना है। नाउ तो ये एक पहली बात कह गया। फिर इसने क्या नंबर्स, क्या कोरम्स बताए? तो प्राइवेट कंपनी का कोरम क्या है कि 2 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए आपकी मीटिंग में, तो आपको माना जाएगा कि कोरम कंप्लीटेड है। बात करते हैं पब्लिक कंपनी में, तो यहाँ पे 3 स्लैब दिए हुए हैं। क्या स्लैब है? कि अगर आपके जो मेंबर्स है, नंबर ऑफ मेंबर्स जो आपकी कंपनी में है वो 1000 से कम है, तो उस केस में आपके कम से कम 5 मेंबर जो है वो पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए। अगर आपके जो मेंबर्स हैं आपकी कंपनी के अंदर वो 1000 से ज्यादा है लेकिन 5000 से कम है, 1000 से ज्यादा है लेकिन 5000 तक है, मतलब 5000 से कम नहीं, 5000 को भी इसके अंदर काउंट करेंगे, मोर देन 1000 एंड अप टू 5000, तो उस केस में जो आपके मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए मीटिंग में वो है आपके 15। और फिर तीसरा पॉइंट आता है कि अगर 5000 से भी ज्यादा मेंबर्स हैं तो उस केस में जो आपकी कोरम होनी चाहिए वो होनी चाहिए कम से कम 30 मेंबर की, जो कि पर्सनली प्रेजेंट होनी चाहिए। अब यहाँ तीनों के अंदर देखो एक वर्ड लिखा हुआ है, मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट, मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट, इस वर्ड का क्या मतलब है? तो मेंबर पर्सनली प्रेजेंट का मतलब है कि यहाँ पे उन मेंबर्स की काउंटिंग होगी जिन मेंबर के पास राइट है वोट करने का। मतलब कि जिस एजेंडा के ऊपर मीटिंग बुलाई गई है उस एजेंडा के ऊपर क्या वो मेंबर वोट कर सकते हैं? अगर वो वोट कर सकते हैं तभी उनको काउंट किया जाएगा एज अ मेंबर पर्सनली प्रेजेंट। अगर कोई ऐसे मेंबर आ गए, सपोज डिफरेंशियल वोटिंग राइट के अंदर ऐसे सिचुएशन भी होते हैं कि कई मुद्दों पर कई मेंबर्स वोट नहीं कर सकते, तो अगर वैसे मेंबर अटेंड हो भी रखे हैं तो उसको काउंट नहीं किया जाएगा अगर वो इंटाइटल टू वोट नहीं है उस एजेंडा के ऊपर जो भी उस मीटिंग का है। ठीक है, तो मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट का मतलब ये निकल के आता है कि आप वोट के लिए एंटाइटल्ड हो या नहीं उस मुद्दे के ऊपर, तभी आपको काउंट किया जाएगा, अदरवाइज आप काउंटिंग में नहीं आओगे। फिर बात आती है कि भैया अगर कोरम पूरी ना हुई तो उस केस में क्या होगा? तो 2 सिनेरियो है, या तो एडजर्न होगा या तो वो कैंसिल होगा। एडजर्न कब होगा? तो जनरली कहा जाता है कि जब जो मीटिंग का आपका टाइम आपको बताया गया था, जिसको भी आपको नोटिस दिया गया था, उस मीटिंग के टाइम के अगर आधे घंटे के अंदर अंदर, कहने का मतलब कि आधे घंटे का लेट होना अलाउड है,
ठीक है, तो आधे घंटे के अंदर अंदर भी अगर जितनी भी कोरम की रिक्वायरमेंट है उतने मेंबर अगर प्रेजेंट नहीं होते तो मान लिया जाएगा कि आपकी जो मीटिंग है वो क्या हो गई, अर्जेंट हो गई। मीटिंग क्या कर दी जाएगी, अर्जेंट कर दी जाएगी। अर्जेंट का मतलब क्या होगा कि फ्यूचर डेट पे मीटिंग करवाई जाएगी। ठीक है, फ्यूचर डेट क्या होना चाहिए, तो सेम डे। सेम डे का मतलब कि सपोज इस वीक में अगर हमने ट्यूसडे को मीटिंग रखी थी तो अगले वीक में भी कब होगी, ट्यूसडे को ही होगी। अगर हमने मीटिंग का टाइम 11 बजे रखा था तो अगले वीक में भी ट्यूसडे को कितने बजे होगा, 11 बजे ही होगा, और उसी प्लेस पे होगा। सपोज जो हमारी मीटिंग थी वो रजिस्टर्ड ऑफिस में हुई थी जो कि न्यू दिल्ली के अंदर है, तो जो नेक्स्ट मीटिंग भी अगले वीक में होगी वो कहाँ होगी, न्यू दिल्ली वाली प्लेस में होगी। द थिंग इज कि सेम डे सेम टाइम एंड सेम प्लेस वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे चलता है। बट ये जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है का मतलब क्या हुआ कि सपोज ऐसा है कि बोर्ड को लगता है कि नहीं भैया कुछ रीजन थे जिस वजह से लोग यहाँ पे नहीं आ पाए, और बोर्ड चाहती है कि अगली मीटिंग जो हो वो किसी और डेट किसी और टाइम किसी और प्लेस पे हो। अगर बोर्ड को ऐसा लगता है तो बोर्ड चाहे तो इसको चेंज भी कर सकती है, लेकिन अगर बोर्ड कुछ इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन नहीं करती तो ये एज्यूम किया जाएगा कि वो नेक्स्ट वीक में सेम प्लेस सेम टाइम और सेम डे पे होने वाली है वो सेम मीटिंग। ठीक है, नंबर 1। तो ये किसके लिए था, ये जनरली सभी मीटिंग के लिए है। बट अगर बात करें ईजीएम की, ईजीएम कौन सी मीटिंग होती है जो अभी अपने क्लास पढ़ा नहीं है, लेकिन जो सेक्शन 100 आएगा वो बात करता है ईजीएम के ऊपर। तो अगर आपने मीटिंग बुलाई थी फॉर द पर्पस ऑफ ईजीएम, मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग जो जनरली किसके ऊपर बात करता है, स्पेशल बिजनेसेस के ऊपर बात करता है, तो अगर वैसे मुद्दे के ऊपर अगर आपने मीटिंग बुलाई थी और कोरम आपके आधे घंटे के अंदर प्रेजेंट नहीं हुए तो उस केस में मान लिया जाएगा कि वो अर्जेंट नहीं हुई है, वो कैंसिल हो गई है। तो ध्यान रखने वाली बात है कि फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 100 हमारा अगर कोरम कंप्लीट नहीं होता है तो मीटिंग कैंसिल होती है, अर्जेंट नहीं होती है, और अदर देन दैट कोई भी मीटिंग है जनरली वो एजीएम की बात हो रही है तो उस केस में वो अर्जेंट हो जाता है हमारा। नाउ अब इसका प्रोविजो आता है। प्रोविजो क्या कहता है कि भैया जो सबसेक्शन जो क्लॉज 1 आपने ऊपर पढ़ा अर्जेंट वाली पॉइंट, अगर वो अर्जेंट हुई और नेक्स्ट डे पे जैसा भी था डिफाइन कर दिया गया कि भैया इस टाइम पे मीटिंग होगी, तो वो जो डिफाइन किया जाएगा उसको नोटिस भी देना पड़ेगा आपको सभी मेंबर्स को। मतलब कि अगर आपकी मीटिंग अर्जेंट हुई है तो एक हफ्ते बाद तो एक जनरल प्रोविजन में कहता है, उसके अलावा कहता है कि भैया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है, जो हमारा बोर्ड है, वो कुछ और भी उसको मतलब डिफाइन कर सकता है, किसी और टाइम पे भी उसको कंडक्ट करा सकता है अगर उसको ठीक लगता है तो। पर जो भी डिसीजन हुआ है आपका, उस डिसीजन की सूचना आपको देनी पड़ेगी मेंबर्स को, क्योंकि हो सकता है कुछ मेंबर प्रेजेंट हुए हो कुछ ना प्रेजेंट हुए हो, तो आपको जितने भी मेंबर्स हैं सभी को सूचित करना पड़ेगा कि जो अर्जेंट मीटिंग है वो कब कहां कैसे किस तरीके से होने जा रही है, और उसके लिए आपको कम से कम 3 दिन का नोटिस देना है। 3 दिन का नोटिस का मतलब क्या हुआ कि जो मीटिंग होने वाली होगी उससे कम से कम 3 दिन पहले उनके पास नोटिस मिल जाना चाहिए कि भैया इस जगह पे इस टाइम पे इस डेट पे इस दिन इस प्लेस में ये मीटिंग होने जा रही है, तो वो आपको देना है। किसको दे रहा है, मतलब बोर्ड देगा। नाउ किसको देगा, तो इंडिविजुअली या तो आप सारे मेंबर को दे दो या फिर आप उसकी एक एडवर्टीजमेंट निकाल दो। एडवर्टीजमेंट जब भी निकालने की बात आती है तो कहां आती है, न्यूज़पेपर में, और न्यूज़पेपर कैसा होना चाहिए, तो 2 न्यूज़पेपर होना चाहिए, एक इंग्लिश लैंग्वेज का इंग्लिश न्यूज़पेपर और दूसरा वर्नैकुलर लैंग्वेज का आपका वर्नैकुलर न्यूज़पेपर होना चाहिए। तो इन दोनों के आपको एडवर्टीजमेंट निकालनी पड़ेगी कि भैया इस जगह पे ये सिचुएशन के हिसाब से जो भी डिटेल्स है उसकी मीटिंग की वो आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, जो कि 3 दिन पहले होना जरूरी है। नाउ फिर कहा जाता है कि भैया अर्जेंट मीटिंग थी उसके अंदर भी कोरम प्रेजेंट नहीं हुआ, तब क्या होगा, जो अर्जेंट मीटिंग थी उसकी सूचना भी दे दी गई लेकिन तब भी जो हमारा मिनिमम कोरम की रिक्वायरमेंट है वो वहां पे अटेंड नहीं किए, वो मीटिंग में प्रेजेंट नहीं हुए, तो मान लिया जाएगा जितने लोग प्रेजेंट हुए हैं ना वही कोरम है, बात खत्म, भैया मीटिंग करो आगे बढ़ो। आपको दो एक बार मौका दे दिया गया, स्टिल अगर मेंबर प्रेजेंट नहीं हो रहे तो ठीक है, उन मेंबर को जरूरत नहीं है उस मीटिंग में आने की या वो नहीं नेसेसरी समझ रहे हैं, तो उसके बाद उनको दूसरा बहाना नहीं मिलेगा, मतलब दूसरा मौका नहीं मिलेगा। जितने लोग आ गए हैं दैट मीन्स दोज आर इंटरेस्टेड इन दैट मैटर्स, उनको उनकी जरूरत है उस मीटिंग में आने की, तो उन्हीं जो लोग प्रेजेंट होंगे मान लिया जाएगा कि भैया यही कोरम है और इसी से हमारा काम चल जाएगा, उसको वायलेशन नहीं कहा जाएगा। लेकिन फर्स्ट टाइम आपको मौका देना है कोरम की रिक्वायरमेंट के ऊपर। नाउ सेक्शन 103 की रिक्वायरमेंट आती है तो वो मैंने आपको बता दिया था पीछे भी कि क्या है भैया, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड इन रिस्पेक्टिव सेक्शन, जैसे कि आप देख रहे हो इसके अंदर प्राइवेट कंपनी के ऊपर स्पेसिफाइड है तो वो चीज वहां पे लग जाएगी और उनके आर्टिकल्स में वो चीज लिखी हुई हो तो भैया तभी उनके ऊपर एप्लीकेबल है, अदरवाइज एप्लीकेबल नहीं होता। बट इसके लिए क्या है कि उन्होंने कोई भी डिफॉल्ट कमिट ना किया हो इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइलिंग। फाइलिंग कौन सी, सेक्शन 137 की और सेक्शन 92 की, जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करता है और एनुअल रिटर्न की बात करता है। नाउ इस चीज को समझना जरूरी है एग्जांपल्स। अभी इन्होंने एग्जांपल कहा है, बेसिकली एग्जांपल नहीं है, ये एग्जाम के क्वेश्चन जो पीछे एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं ये वो है, 2 क्वेश्चन है यहाँ पे, इसको समझ के ही आपको पूरा एक अंडरस्टैंडिंग आपके माइंड में बन पाएगा कि क्या आपने समझा है। चलिए सबसे पहले देखते हैं पहला एग्जाम्पल क्या कह रहा है। कह रहा है देयर आर 54 मेंबर्स ऑफ डाइस प्राइवेट लिमिटेड, ध्यान देना है कंपनी कौन सी है, प्राइवेट लिमिटेड है। ओके, द कंपनी हेल्ड इट्स एनुअल जनरल मीटिंग ऑन 1 जुलाई 2019 एट 2 PM। 1 जुलाई 2019 को इन्होंने एजीएम रखा है, 2 बजे रखा है, एजीएम रखा है, ईजीएम नहीं रखा, ध्यान देना है इसके ऊपर भी कि एजीएम है, सेक्शन 100 की बात नहीं कर रहा।
एंड 28 मेंबर्स वर पर्सनली प्रेजेंट टिल 2:45 PM। और ध्यान देने की बात यह है कि इन्होंने लैंग्वेज का फर्क है थोड़ा सा यहाँ पे, क्या कह रहे हैं कि 28 मेंबर आ गए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर। प्राइवेट लिमिटेड के अंदर कितने लोगों की जरूरत है, कम से कम दो लोगों के, 28 लोग आ गए, लेकिन वो टिल 2:45 पे आए। इसका मतलब क्या हुआ, 2 बजे की मीटिंग थी, आधे घंटे का टाइम मिलता है, 2:30 तक आ जाने चाहिए थी। ये सवाल आपको ये नहीं बता रहा कि 2:30 तक कितने लोग आए, ये बता रहा है कि भैया 2:45 तक 28 बंदे आ गए। अब हो सकता है सारे, ऐसा तो नहीं है ना कि वो 2:30 के बाद और 2:45 से पहले 28 के 28 टपक गए हों उस 15 मिनट के अंदर ही। नहीं, हो सकता है 1, 2, 5, 7, 10 लोग पहले आ गए और 2:30 बजे से बाकी लोग बाद में आए हो। तो इसलिए इन्फॉर्मेशन आपको थोड़ी सी एक कॉन्ट्राडिक्टरी इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि आपको ये क्लियर नहीं हो पा रहा कि 2:30 बजे तक कितने आए और उसके बाद कितने लोग आए। चलिए आगे देखते हैं। द चेयरमैन ऑफ द मीटिंग प्रोसीड टू इनिशिएट द मीटिंग। चेयरमैन ने भैया प्रोसीड कर दिया कि भैया चलो मीटिंग कर लेते हैं, पास द रेजोल्यूशन एज डिस्कस इन द मीटिंग। जो भी डिस्कशन हुआ उसके ऊपर रेजोल्यूशन पास कर दिया चेयरमैन ने। कमेंट वेदर द मीटिंग टू प्लेस एज पर द प्रोविजन ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। क्या ये प्रोविजन के हिसाब से हुई है, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे आपको थोड़ा सा ना मतलब क्लैरिफिकेशन नहीं है, तो आप ऑब्वियसली बात है पॉजिटिव साइड में ज्यूम करोगे। ऑल्दो अपना एक आपको नोट देना है जिसके ऊपर इस आंसर के अंदर नहीं लिखा हुआ, बट आपको एक अपना नोट इस पर क्लैरिफाई करना पड़ेगा क्या कि हमें एज पर दी डाटा जो अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग हमें ये नहीं पता कि 2:30, मतलब पहले तो प्रोविजन लिखो कि हाफ एन आवर की रिक्वायरमेंट होती है, और हमें ये नहीं पता कि 2:30 तक कितने लोग पर्सनली प्रेजेंट हो गए हैं। तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि भैया जो मिनिमम रिक्वायरमेंट थी कितने की, 2 लोगों की इन केस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, वो तो प्रेजेंट हुई गए होंगे। क्यों? क्योंकि 28 मेंबर्स आए हैं 2:45 तक, तो हम एज्यूम कर रहे हैं उसके अंदर से 2 मेंबर ऐसे होंगे जो आ गए होंगे। तो अगर 2 लोग भी आ गए होंगे तो इसलिए अगर इन्होंने रेजोल्यूशन पास किया और मीटिंग को प्रोसीड कर दिया तो उसके अंदर कोई कॉन्ट्रवर्शन नहीं है, वो एज पर प्रोविजन ही माना जाएगा। तो इन्होंने सीधा सीधा लग दिया कि कोई कॉन्ट्रवर्शन नहीं हुआ है, लेकिन आपको थोड़ा सा ये एजम्पशन वाली लाइन भी यहाँ पे डालनी पड़ेगी क्योंकि वो क्वेश्चन के अंदर क्लियर नहीं है। नाउ एग्जांपल 2 आता है आपका। अबे लिमिटेड, बहुत बढ़िया, हैज 2,300 मेंबर्स, 2300 मेंबर्स हैं इनके पास, एंड द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी इज टू बी हेल्ड ऑन 23rd February 2019 at 10:30। ठीक है, 2300 मेंबर, आपको ध्यान रखो लिमिटेड कंपनी, तो 2300 मेंबर कहां से गया, ये कितने यहाँ पे कोरम होने चाहिए, तो आपको पता लगना चाहिए कि कितने कोरम होने चाहिए। चलिए आगे, क्या था आपका 5, 15 और 30। चलिए आगे, उसके बाद बात करता है कि ऑन द डे ऑफ मीटिंग 18 मेंबर्स वर पर्सनली प्रेजेंट बाय 11 AM एंड द चेयरमैन प्रोसीड टू इनिशिएट द क्रॉनिकल्स ऑफ द मीटिंग। कह रहा है जी भैया चेयरमैन ने इनिशिएट कर दिया, 11 बजे तक 18 लोग आ गए थे, तो 23 तो है, तो यहाँ पे कितने आने चाहिए आपके हिसाब से। हमारे कोरम की रिक्वायरमेंट जो है एक्ट की वो बताता है कि 15 मेंबर्स होने चाहिए, तो यहाँ पे तो 18 अटेंड हो गए, पर्सनली प्रेजेंट है, मतलब ये वही वाले हैं जो कि एंटाइटल टू वोट है, तो कोई दिक्कत नहीं, चेयरमैन अच्छा काम किया। 5 स्पेशल बिजनेस है जो कि इनको डिस्कस करने हैं इस मीटिंग के अंदर, एंड 2:30 बजे तक इन्होंने एजेंडा 1 से लेकर 3 तक, मतलब उस 5 में से 3 बिजनेस को डिस्कस कर लिया, एंड एप्रोप्रिएट रेजोल्यूशन जो पास करना था वो पास कर दिया, बहुत अच्छा किया। नाउ हाउएवर ड्यू टू सम इमरजेंसी 4 मेंबर जो है वो चले गए 3 बजे, 4 मेंबर चले गए, तो 18 में से कितने बचे, 14, जो कि रिक्वायरमेंट से कम हो गया क्योंकि रिक्वायरमेंट 15 की होती है हमारी। हाउएवर ड्यू टू सम इमरजेंसी 4 मेंबर्स had to leave around 3 PM. The chairman granted them the permission and proceeded and discussed the agenda 4 and 5. Chairman ने permission दे दी कि भैया आप चले जाओ, और उन्होंने meeting को close नहीं किया, उन्होंने बाकी जो दो agenda बचे हुए थे उसको भी discuss किया, and accordingly passed resolution as per the consent of the remaining members. अब बाकी जो member बचे थे उनकी consent के accordingly उन्होंने उसके ऊपर भी resolution pass कर दिया। Comment whether the meeting is properly convened meeting as per the provision of section 103 of the Companies Act 2013. तो 103 की रिक्वायरमेंट पूछ रहा है, मतलब कोरम की रिक्वायरमेंट पूछ रहा है, तो आप क्या कहोगे कि भैया इन्होंने पहले तो कोरम के ऊपर आपको सारी जानकारी दे दी नहीं कि लिमिटेड केस में, लिमिटेड कंपनी के केस में क्या क्या उसकी प्रोविजंस होते हैं, प्रोविजंस आप पूरा लिख दोगे, ठीक है जी। उसके बाद प्रोविजन लिखने के बाद आपको बताना पड़ेगा कि भैया जो इन्होंने 3 एजेंडा पास किए हैं वो विद इन कोरम किया, मतलब कोरम की प्रेजेंस में किया गया है, तो वो 3 एजेंडे सक्सेसफुली पास हुए हैं और उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो आपका वैलिड नेचर का होगा। बाकी के 2 एजेंडे जो पास किए गए वो ट्रांजेक्शन हुई है कब, जब आपका कोरम कंप्लीट नहीं था, तो वो जो है वो बेसिकली नलिटी हो जाएगा, एक तरीके से वॉइड माना जाएगा, वो ट्रांजेक्शन की कोई भी इफेक्टिवनेस नहीं रह जाएगी, जो भी आपने रेजोल्यूशन पास किया वो कोई भी इफेक्टिव नहीं रह जाएगा, बिकॉज ऑफ कि कोरम की जो रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल नहीं की गई है उन 2 एजेंडा के लिए। तो कहने का मतलब है कि आधी मीटिंग इज एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 103, एंड जो रिमेनिंग जो आपका पार्ट है जिसके अंदर 2 एजेंडा डिस्कस किया गया वो आपका एज पर प्रोविजन नहीं है, तो वो आपका वैलिड नेचर का नहीं माना जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द कोरम। नाउ अब अगला पॉइंट आपका चेयरमैन के ऊपर आने वाला है जो कि सेक्शन 104 के अंदर आएगा, उसको देखेंगे अपन नेक्स्ट पार्ट में, हो सकता है आपको मतलब मान के चल रहे हैं कि आपको कोरम वाला पार्ट समझ में आ गया होगा।